आज हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं बिगिनिंग पार्ट ऑफ सीजन टू, जो काफी थोड़ा सा सीरियस नोट पर शुरू होता है। यहाँ पर एक नए किरदार की भी एंट्री है। जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, और इसमें बहुत जबरदस्त कास्टिंग की है मेकर्स ने और प्लेटफॉर्म ने, और वो है जावेद जाफरी। जावेद जी हैं इस बार, तो बहुत मजा आया टू सी हाउ यूसुफ सॉर्ट ऑफ कम्स थ्रू इन द स्टोरी। Javed sir has been the best find for Yusuf for our show. I don't think anybody else would have been able to do that kind of action, man. Nobody is as fit as he is. Nobody is as charming and as intimidating as he is. And cold-blooded hai. Aur business, everything is business. Aur to usko thoda sa contact lens maine try kare ki bhai ek thoda aankhon mein ek like cold-bloodedness aa jaye, so wo fark pada. फिर हमने बोला कि लुक उसका रखें, दाढ़ी रखें, पॉलिश्ड आदमी है, पढ़ा लिखा है लेकिन गैंगस्टर है, और उसकी एक बैक स्टोरी है, और उसका जो बोलने का सिंटैक्स था उसको हमने नपातुला रखा, नॉट लाइक जनरली बात करते हैं हम इस तरह से, ये स्पीड से नहीं बात करेगा वो। वैसे धंधे के हिसाब से तो उनका सब कुछ मेरा होता है, सब कुछ। ये थोड़ा इस तरह से सोच के बात करता है, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ही डजंट शो हिज इमोशंस, तो ये चीजों को हमने लिया। मुझे स्टार्ट में तो लगा था कि जावेद सर काफी स्ट्रिक्ट वेटरन एक्टर हैं, बट ही सुपर कोऑपरेटिव, बहुत मजा आया उनके साथ। द आइडिया दैट ही ब्रिंग्स ऑन बोर्ड, वो समझते हैं कि क्या चाह रहा है सामने वाला, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि वो किस तरह ये कैरेक्टर अप्रोच कर रहे हैं। अरे जावेद सर क्या बोलें, हम सबके चाइल्डहुड का एक बहुत अहम हिस्सा है, ऐसे ऐसे हमने उनके शोज देखे हैं, हमने उनको कितना बचपन में जो रियल इन्फ्लुएंस था हम सब पे, वो वन ऑफ इट वॉज जावेद सर, उन्होंने जो धमाल मचाया है सेट पे, ये तो आपको देखने के बाद पता चलेगा, पर इट वॉज एन ऑनर फॉर एवरी वन इन द टीम टू बी शेयरिंग द सेम स्पेस एज जावेद सर। ताजी कॉफी, ताजा खबर, चलो ठीक है।